अयोध्या नगरी कहुचे रामंकर प्रतिटी कहानी आपण जो गलिकंदी बुलिबे जो सहर बुलिबे रामंक सहित केही ना केही जोड़ी ही अछंती एकथा आमे काहेंगे कहुचु आपणको एमिति एक जगह देखेबु एमिति एक स्वीट स्टोर देखेबु बा मीठा भंडार देखेबु जोठी की पीढ़ी पर पीढ़ी अर्थात दीर्घ 70 वर्ष धरी रामलालांकर एठु ही भोग जाउचे एवं सेही भोग को आमे प्रसाद भाबे ग्रहण करचे ताकू कहउचि खुर्चन पेड़ा सीधा सळक आपणको विजुअल देखेबु अयोध्या नगरी रे रामपथरे एही दोकानटी अछि एवं एही दोकान ने एबे लोकंकर बहुत भिड़ देखिया पाई मिलुचे सकाळ समय रे एवं खास करके आ किछि समय बाद अर्थात संध्या समय रे काहेकि ना ए खुर्चन पेड़ाटी जो रहिचि तार इतिहास किछि एही भली कहउचि जे 70 वर्ष धरी रामलालांकर जेतेबेले भोग लागे एही खुर्चन पेड़ा केवल एही दोकान नु ही जाय रामपथरे तो आपण अयोध्या रे अनेक दोकान देखिथिबे अनेक मिठा दोकान देखिथिबे किंतु ये होचि गोटिए मात्र दोकान चंद्रा स्वीट्स नामर ए दोकानटी रहिचि जो दोकान नु ही केवल रामलालांकर को पाई भोग जाए से भोग को ही आमे माने प्रसाद करी खाते और ये विजुअल आप देखुं ये हूँ खुर्चन पेड़ा जहाँ कह रामलालांकर ये हूँ प्रिय भोग ये हूँ पसंदीदार मिठा जहाँ को लेकिन समस्त अपेक्षा थाए से भोग लगि सारापर प्रसाद हिसाब से जितेबाद आसे समस्ते ग्रहण करती स्वादिष्ट बहुत थाए बोली लोकंर प्रतिक्रिया रही सीधा सड़क आपने वर्तमान प्रतिक्रिया नवा जे दोकान व्यवसायी अच्छा सहित आलोचना करवा सर पहले मैं स्वागत करती हूँ आपको अर्गस न्यूज़ से। तो ये खुर्चन जो पेड़ा है यहाँ का फेमस है और रामलाला के यहाँ पे भोग लगाया जाता है, तो यहाँ का इतिहास क्या है खुर्चन पेड़ा को लेकर? ये खुर्चन पेड़ा हमारे दादाजी के समय से आ रहा है। दादाजी इसको छोटे से कढ़ाई में इसको बनाया करते थे उस टाइम में जब श्री रामचंद्र परमहंस जी नया अध्यक्ष हुआ करते थे, और उसके बाद से ये हमारे दादाजी के टाइम से ये पेड़े का भोग लग रहा है। उसी तरीके से हम लोग बना रहे हैं और मंदिर में इसी पेड़े का भोग लगता चला आ रहा है। बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो आपने ये खासियत क्या है? पेड़ अयोध्या में तो पेड़ा हम ही ने बनाना चालू किया है और दादाजी ने ही हमारे बनाना चालू किया है इस पेड़े को। तो बनाते तो बहुत लोग हैं, बस कुछ ना कुछ तो भगवान की कृपा ही है कि हमारा स्वाद और हमारा प्रसाद अलग ही है। सबसे ये हम खुर्चन पेड़े को हम दूध से बनाते हैं और इसमें कोई चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, दूध और टेस्ट के लिए इलायची का डालते हैं और कुछ नहीं। ये खुर्चन के पेड़ा सिर्फ यूपी और अयोध्या में मिलता है या फिर हर जगह पे ये मिलता है? यूपी में तो कई जगहों मिलता है ये पेड़ा, मथुरा में भी कहा गया है पेड़ा है, बट हर जगह का टेस्ट अपना अलग अलग होता है। हमारे अयोध्या में एक अलग पहचान है इसकी, एक अलग ही स्वाद हम लोग लेकर चलते हैं, बाकी तो सब जगह पेड़े बनते हैं। जब रामलाल के यहाँ पे भोग की तरफ लगाया जाता है तो कितना सौभाग्य मिलता है? देखिए, ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि 60-70 सालों से ये हम ही को पुण्य मिल रहा है कि भगवान को हम प्रसाद बना के और प्रसाद लगा सके, ये हमको इससे बड़ा सौभाग्य की बात और क्या है। अभी जो दिन भर में जब रामलाला के भोग लगाया जाता है, कितने हर दिन आपको ये चढ़ाया जाता है भोग वहाँ पर आपके दुकान से कितना जाता है? पर डे का भोग पहले जब भगवान रामलला का जब से मोदी जी ने शिलान्यास किया उससे पहले तो थोड़ा ही जाता था, बट जब से शिलान्यास हुआ है एक नई आम जनता को जो है वहाँ पर दर्शन करने का और आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके बाद से हमारे पेड़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। अभी रामलला के प्रतिष्ठा होने वाला है 22 जनवरी, तो उसके लिए कुछ ऑर्डर दिया गया है क्या? हम लोगों ने तैयारी अपनी तरफ से पूरी चालू की है और पूरी तैयारी है, ट्रस्ट की तरफ से जैसे आदेश आएगा हम लोग उस तरीके से काम करेंगे। ये मिठाई खाने में कितना स्वादिष्ट है लोगों के हिसाब से, आपके हिसाब से? नहीं, लोगों के हिसाब से बहुत ही पसंद करते हैं, लोग विदेशों में भी ले जाते हैं। और पेड़े की खासियत ये है हमारी कि 10 से 15 दिन ही खराब नहीं होती है, तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए इसको, क्योंकि प्रसाद है और सबको ले जाकर देना है बांटना है, तो हिसाब से हम लोग काफ़ी चीज़ों का ध्यान देते हैं इसमें। ये जो पीढ़ी के हिसाब से आप काम करते आए हैं, ये एक तरफ की सेवा भी है रामलाला के यहाँ, तो कभी ये हुआ है कुछ गलत हो गया हो, कुछ ऐसा अनुभव हुआ है भगवान जी के साथ कुछ ऐसा अनुभव? ऐसा तो नहीं हुआ है, बट ये है कि क्योंकि बहुत ही ध्यान देकर हम लोग सब चीज़ों को काम करते हैं और भाई हाथी है बनने का तो कभी 19 भी हो गया, लेकिन कभी ऐसा हम लोग को कोई ऐसा कुछ पता नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ होता है तो ट्रस्ट की तरफ से उनको जानकारी दी जाती है। अभी तो रामलाला की प्रतिष्ठा होने वाली है जी, आप कितने खुश हैं? हम तो बहुत खुश, हम क्या पूरा देश पूरा वर्ल्ड खुश है इस चीज़ों को लेकर, और 22 तारीख को आप देख भी रही है किस तरीके से लोग आने वाले हैं राम मंदिर को देखने के लिए, रातें रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपण देखुले चंद्रा स्वीट्स जो 70 वर्ष धरी पीढ़ी पर पीढ़ी तांकर बापा एवं सुमित जी जी आम सहित अधिक आलोचना करते बापा और जेजे बापा यही सेवार लगी जदिओ मिठा बिक्री होने कि प्रथम जो मिठा तैयारी करते प्रतिदिन रामलाला भोगपाई ये मिठा जाए मिठार ना हूँ खुर्चरन मिठा जहाँ खावाक जी स्वादिष्ट और भोग पर जो प्रसाद लगे कि बाहर को आसे लोक मई लोकंर अपेक्षा ये मिठापाई थाए कहीं चंद्रा स्वीट्स यहाँ जाए और 70 वर्ष धरी रामलाला पाखे यहीटा ही यही भोग ही लगुच प्रसाद रूप से लोक ग्रहण कर अयोध्यार कैमेरा पर्सन सुमन साहू का सह स्वप्नांजलि महांती अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।